हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं भारत में पहली बार से 2021 के चुनिंदा प्रश्नों को। जनवरी से जून 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानी खेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव को पैदा करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से एक फैक्ट बताता हूँ। याद रखिएगा, उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। याद रखिएगा इनका नाम क्या है, सृष्टि गोस्वामी। इन्हें उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर। भदरवाह विकास प्राधिकरण और जेके एडवेंचर ग्रुप द्वारा पहली बार व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर के प्रेम नगर सिवनत में चिनाब नदी पर किया गया। यह आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। राइट आंसर है मिताली राज। याद रखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। और यदि बात करें भारत की, तो भारत की पहली हैं दोस्तों। उन्हें 2003 में यानी कि मिताली राज को 2003 में अर्जुन पुरस्कार से और 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। दोस्तों, ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, अभी कुछ समय पहले जुलाई मंथ में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें अनुराग ठाकुर को पद दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये किस पद पर हैं? तो दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री का पद इन्हें दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के मानेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। विश्व कौशल केंद्र एक 18 मंजिल इमारत का उद्देश्य उड़ीसा को प्रशिक्षित जनशक्ति की वैश्विक राजधानी बनाना है और यहां विभिन्न कौशल एवं ट्रेडों के लिए समर्पित होगी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज यानी कि फेंसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है भवानी देवी। दोस्तों, भवानी देवी ने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 2017 में फेंसिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भी जीता था। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? राइट आंसर इसका विराट कोहली। दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अपने आखिरी शॉट के साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। वह कप्तान के रूप में 12,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे कप्तान भी बने हैं।
भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां बना है? राइट आंसर है इसका दोस्तों बेंगलोर। याद रखिएगा बेंगलोर में देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूल यानी कि एसी टर्मिनल बना है। 314 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल को मार्च 2021 के अंत में स्थापित होने की आशंका जताई गई थी। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर यह बेयप्पन हल्ली क्षेत्र में बेंगलोर का तीसरा रेलवे टर्मिनल है। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? सही आंसर है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई और बिहार एथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस नीति के तहत राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से एथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगे। किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसकी घोषणा की है दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। याद रखिएगा देश की पहली चेस यानी कि शतरंज अकेडमी उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने देश की पहली चेस एकेडमी उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोलने की योजना पर निर्णय लिया है। कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख, यहाँ दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है 50 लाख अभ्यर्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर इसका महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है दिल्ली में। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में किया गया था। गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली सिख गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी द्वारा इसे खोला गया है। अस्पताल सबसे तकनीकी रूप से उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से लेस है और जहां रोगियों को मुफ्त में सेवा प्रदान की जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां खोला गया? राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद के गच्ची बोवली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया। यह डेस्क देश में अपनी तरह का पहला लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और यहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। भारत का पहला डॉग पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है चंडीगढ़ में। याद रखिएगा उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में स्थापित किया जाएगा। बीसीसीआई के द्वारा 87 सालों में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया गया है? सही आंसर है दोस्तों रणजी ट्रॉफी। याद रखिएगा 87 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को रद्द करने का फैसला लिया। ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? राइट आंसर है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों लखनऊ मेट्रो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन को सैनिटाइज करना शुरू किया है। आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये और इसका सही आंसर है दोस्तों हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुखम सेट्टी ने पेश किया था। 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? यहां बात हो रही है कोविड-19 टीके की और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों
उत्तर प्रदेश 5 लाख लाभार्थियों के कोविड 19 टीकाकरण को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मंडुहा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? सही आंसर है दोस्तों चंडीगढ़। भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। एम्प्यूटी क्लिनिक ये होता क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का अंग काटने का क्लिनिक है, यानी कि जब शरीर का कोई हिस्सा खराब या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसे काटने की जरूरत पड़ती है, तो इसी कार्य के लिए इस अस्पताल को यानी कि क्लिनिक को खोला गया है। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों आयशा अजीज, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है, यानी कि सबसे कम उम्र की। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इनकी उम्र है मात्र 25 साल। ये 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट भी बनी थी। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना, यानी कि यहां अब पेपरलेस कार्य किया जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा, करंट अफेयर 2020 का क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये भी बना है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला थंडर स्ट्रॉम रिसर्च परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई है दोस्तों उड़ीसा में। याद रखिएगा, भारत का पहला थंडर स्ट्रॉम रिसर्च सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। इसे उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हिंदी में यदि लिखकर आया, यानी कि थंडर स्ट्रॉम को यदि उसने हिंदी में लिखा एग्जाम में, तो लिखेगा वज्रपात परीक्षण मंच। इसे स्थापित करने का उद्देश्य बिजली गिरने के कारण मानव की मृत्यु एवं संपत्ति के नुकसान को कम करना है दोस्तों। साथ ही साथ याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भी स्थापित किया गया है और उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहां पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर जम्मू में पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान समाज के सभी वर्गों की महिलाओं से संबंधित 40 मामलों के शिकायतकर्ता उपस्थित हुए और अध्यक्ष ने मौके पर ही 7 मामलों का निपटारा किया। किसानों के लिए भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे CNG में परिवर्तित किया गया है को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बन रहा है? तो इसका राइट आंसर है पटना। बिहार के पटना में जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनकर तैयार होगा। बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% हिस्सा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के तहत एक अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजाति है डॉल्फिन, इसलिए इसके लिए एक रिसर्च सेंटर की बनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी? इम्पोर्टेंट नाम रहेगा दोस्तों, आंसर है इसका साइमा उवेद। साइमा उवेद कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी। पिछले साल कश्मीर में चौथे कश्मीरी पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें साइमा ने इस प्रतियोगिता में 255 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता था। याद रखिएगा, साइमा के पति ओवेज हाफिज एक पावर लिफ्टर हैं। 3 करोड़ से अधिक कोविड 19 परीक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक कोविड 19 परीक्षणों को पूरा करने और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिक और
सीमावर्ती श्रमिकों को 10 लाख से अधिक टीका लगाने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहां बन गया है? राइट आंसर है इसका वाराणसी में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी के कमछा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया है। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम में। या रखेगा असम में दरंगा जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। यह 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है जो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देता है। अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को सुविधा प्रदान करना है जो अपने पति या पिता के स्वामित्व वाले कृषि क्षेत्रों में काम कर रही हैं, खासकर राज्य के पहाड़ी इलाकों में। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोस्तों क्या होता है कार्बन फुटप्रिंटिंग? तो याद रखिएगा, विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और इसे ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों का विस्तृत अध्ययन संकलित करने के लिए इसे एक विशेष विकल्प देता है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लेह में। याद रखिएगा, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लेह में किया गया। यह स्थानीय मौसम पूर्व अनुमान प्रदान करेगा। 1,00,000 करोड़ रुपए का पूंजी बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बनी? सही आंसर है दोस्तों बजाज। बजाज ऑटो 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली दोपहिया कंपनी बनी। याद रखिएगा, बजाज ऑटो मोटरसाइकिल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है और तीन पहिया वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता है। बजाज की स्थापना की गई 1945 में और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर यानी कि अदरक प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर है मेघालय। पूर्वोत्तर भारत के पहले जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट या आप इसे कह सकते हैं अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को मेघालय में स्थापित किया गया है। यहां अदरक से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों हीमा कोहली। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति हीमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे तेलंगाना एचसी यानी कि हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी। इन्होंने राघेंद्र सिंह चौहान को रिप्लेस किया। भारत का पहला फायर पार्क कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। इसमें अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उस बारे में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे स्थापित किया गया है। भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज कहां की है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक। भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक में की है, कर्नाटक के मांडाया जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका
ASMI यानी कि अस्मी, DRDO ने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल को बनाया है और उसका नाम है अस्मी, जिसका नाम दोस्तों क्या है, अस्मी। ये 9 mm की एक पिस्तौल है, ये 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। और इसे बनाया किसने है, DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। स्थापना की गई दोस्तों 1958 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया, सही आंसर है बेंगलोर में। दोस्तों भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये, COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, राइट आंसर इसका मनीष कुमार। दोस्तों मनीष कुमार दिल्ली में एक स्वच्छता कार्यकर्ता हैं और मनीष को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था और ये भारत के पहले वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने। कौन ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक बना, राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों 48 दिनों के लिए ब्याज मुक्त नगद यानी कि कैश देने वाला भारत का पहला बैंक बना है IDFC फर्स्ट बैंक। इस बैंक की स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, तो दोस्तों इसकी घोषणा की है केरल राज्य ने, याद रखिएगा केरल में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों एवं अन्य प्रदर्शनियों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन एवं केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया, राइट आंसर है दोस्तों मेघालय। दोस्तों मेघालय के सोहावर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर दो एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना, राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर दो एयर स्ट्रिप के साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप बनाकर तैयार हो गई है। 3,300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर दो हवाई पट्टियों बनाने वाला ये देश का पहला प्रदेश बन गया है। 2,00,000 स्वास्थ्य श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना, सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा कर्नाटक 2,00,000 स्वास्थ्य श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।